मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे खतौली ब्लॉक के गांव सोंटा निवासी किसानों ने एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि लगातार उनके गांव में स्थित ट्यूबवेलों पर लगातार अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें किसान और उसका हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर पा रही है, इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्द ही किसानों के ट्यूबवेलों पर चोरी की घटना पर अंकुश लगाया जाए और चोरी करने वाले चोरों को सलाखों के पीछे डाला जाए, जिससे कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत एवं परेशानी ना हो। मेरा नाम रणधोल सिंह राठी, जिला सचिव भारतीय किसान यूनियन। देखिए, हमारे गांव सोनटा में पिछले एक महीने से 20 ट्यूबवेल फट चुकी और 4 ट्यूबवेल सुबह ही 4 बजे फटी। 25-26 ट्यूबवेल से मोटर चोरी हो चुके हैं और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई लगभग नहीं हुई। हमने दो बार हम थाने में जा चुके और एसओ साहब हैं वहाँ से, रोजन त्यागी जी, उन्हें हम सब चीज़ अवगत करा चुके हैं और हम FIR भी करवा चुके हैं, उसकी रिसीव कॉपी है हमारे पास। उसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, पता नहीं चल पाया। आप सभी किसान गांव से आए हैं, कप्तान साहब से मिलने आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द वे इस पर कार्रवाई करवाएंगे और उन्होंने SOG टीम भी लगाने के लिए अभी फ़ोन किया। हम ग्राम सोटा से हैं, थाना मंसूरपुर हमारा। हमारे गांव में पिछले 20 दिन में 24 ट्यूबवेल फट चुके हैं और हम थाने के भी चक्कर बार बार लगा चुके हैं और आज तंग होगा हम SSP साहब के पास है। साहब ने हमें आश्वासन दिया है, कप्तान साहब ने इंस्पेक्टर साहब को भी कहा है और SOG को भी उन्होंने कॉल किया है, CO साहब को भी। हमें तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा मंसूरपुर थाना है उसमें मिली भगत लग रही है, नहीं तो इतना काम तो हो ही नहीं सकता। हम थाने वालों के पास जाएँ उल्टे हमें ही धमकाते हैं। हमारे गांव में कभी कोई घटना नहीं हुई, हमारे यहाँ तो पिछले 20 तारीख से आज 19 तारीख है यही घटना है। एक महीने के अंदर 4 बार में 24 ट्यूबवेल पटती है, 6-6 ट्यूबवेल हर बार पटती है। चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, चोरों को सजा मिले, किसानों को उसका मुआवजा मिले या जैसे भी हो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए।